क्या हो रहा है यहाँ पे? हेलो, वेलकम टू माय बर्थडे व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और हम सभी बहुत अच्छे। आज मैं पूरी रेडी हुई हूँ क्योंकि आज मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रही हूँ दीदी और जीजू के साथ। एक्चुअली 5 सितंबर को हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे क्योंकि जीजू अपने ऑफिस ट्रिप पे गए थे जिम कॉर्बेट। तो अगर आपको उनका वहाँ पे कुछ व्लॉग्स या कुछ देखना है तो आप उनके इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर लेना। और अभी हम जा रहे हैं बारबेक्यू नेशन, मम्मी पापा का फेवरेट प्लेस है। वो लोग यहाँ पर है नहीं, बहुत मिस कर रहे हैं, बट हम लोग इन्जॉय कर लेते हैं। वो लोग जब आएंगे तब इन्जॉय कर लेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे और एज यूजुअल फिर से हम लेट हैं। 12:30 की बुकिंग थी और अब भी 12:20 हो गया है। पता नहीं कैसे पहुँचेंगे। बर्थडेज आर इनकम्प्लीट विदाउट बर्थडे गिफ्ट, सो आई गॉट माई बर्थडे गिफ्ट सरप्राइज कार में। और एक मुझे मिला था घर पे, वो आप लोगों का गिफ्ट देखना है तो कॉमेंट डाउन, मैं आपको इंस्टाग्राम की स्टोरी पे दिखा दूंगी। Chicken is always good. एंड यहाँ पे अनलिमिटेड स्वीट्स थे, पेस्ट्रीज थे, आप कुछ भी ले सकते हो कितना भी। बट हमारा तो स्टार्टर से ही पेट इतना फुल हो जाता है, हम ज़्यादा कुछ खा ही नहीं पाते लंच में। एंड यहाँ मैंने लिया था टोमेटो सूप और साथ में कुछ नूडल्स, बहुत टेस्टी। यहाँ ऑप्शंस बहुत मिल जाते हैं, लाइक गोभी मंचूरियन थी, साथ में हॉट चिली गार्लिक नूडल्स, पनीर की सब्ज़ी थी, मिक्स वेज थे। वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन के लिए बहुत सारे आइटम्स रहते हैं अनलिमिटेड, तो बहुत मज़ा आ जाता है खाने में। और सूप में एक एक वैरायटी की सूप रहती है, लाइक यहाँ पे वेज में था टोमेटो सूप और नॉन वेज के लिए था हॉट एंड सॉर नॉन वेज सूप। तो बहुत सही लगता है बारबेक्यू नेशन में। अभी हमने लंच कर लिया बारबेक्यू में, बर्थडे सेलिब्रेट। हाँ, बहुत खा लिया, बहुत ज़्यादा, बहुत टेस्टी फूड था यहाँ का। कैसा था लंच, कैसी थी मेरी पार्टी? अरे भाई, इन्होंने वेस्टेज करा, मैंने नहीं करा। मैंने वेस्ट नहीं किया, हमने पेट भर गया था क्या करें। मेरा पार्टी कैसा रहा? बहुत अच्छा। सो लंच हो गया, फूड वॉज अमेजिंग, बहुत टेस्टी था। और अभी हम लोग जा रहे हैं साइंस म्यूजियम थोड़ा घूमने, तो अभी का वही प्लान है, तभी हम आपको मिलते हैं साइंस म्यूजियम में।
देंगे आप ये घुमा के अपने घर घर ले जाऊंगी। क्या कर रही हो आप? ये घर के नीचे लगाऊंगी, मम्मी पापा को वो घर यहाँ पे शिफ्ट करवा दूंगी। क्या नहीं करते? मुझे उन्होंने कपड़े नहीं पहने। बट वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, खामोश हैं। वो देखो वो पीछे गए से बैठे खड़े हैं सब। रोजी रोजी वो देखो वो लड़की को, वो रोजी है वो जो कोने में बैठी है ना। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? रोजी रो रही है कि मेरे पास ये नहीं है मेरा खाना। क्या तो खाना? अरे हेलो बड़ी, रोजी क्या कर रही है? क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए ये साइंस म्यूजियम वाले कुछ करते क्यों नहीं यहाँ पे? तो आधे लोग ऐसे ही बेहोश होकर गिर जाएंगे। मुझे साइंस ठीक करना चाहते हैं इसीलिए दिखा रहे हैं। मेरे जैसे लोग और बैठ जाएंगे। मेरे पति में तो बारिश हो रही है। ये तो अब इसका नहीं है, इसका इतना बड़ा हो भी नहीं सकता। कहा है निकी आपका? नहीं, मैंने यहाँ पे रखा है कि लोग आकर के देखें, फिर भी मैं चला देती। ये मेडिकल क्वार्टर्स वालों की जगह है। मेरा दिल इतना ही बड़ा है। दिमाग छोटा है लेकिन दिल बहुत बड़ा है। लीवर में गैस हो गई है, दिल में गैस हो गई है। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं करते रहो। बहुत ही गंदा म्यूजिक बजाया आपने अपने पैरों से। सो वी आर बैक टू होम। आज का दिन बहुत अच्छा था, बहुत कुछ किया, खाया पिया, घूमा फिरा और अब हम घर आ गए हैं। आप तब तक मेरा ये व्लॉग देखो और इसके बाद मैं अपना एक क्लिप ऐड कर दूंगी जो मैंने 5 सितंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था छोटा सा घर पे, तो वो देख लेना। और डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय। हैप्पी बर्थडे, गाना बजा देते ना, कोई बात नहीं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। पिच पिच हाँ, ये लोग कैसा है? अब ला मैं भी खिलाऊं। Let me know.